फ्रेंड्स, आज की जो साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल है बहुत ही इजी और झटपट में बहुत ज़्यादा स्मार्ट अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो गोल्डन कलर की साड़ी है, इसके बारे में डिटेल आपको साइड में बता दे रही हूँ। मुझे ये ब्लाउज पीस है, ये साड़ी मुझे रिसीव हुआ है फ्रॉम मीशो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम साड़ी चाहिए तो सेम लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और ये ब्लाउज कलर मैरून कलर का है, इसमें इस तरीके का शाइनिंग बना हुआ है। काफ़ी पास से दिखा देती हूँ, इसका फुल स्लिप्स ब्लाउज मैं बनवाऊंगी। अभी तो होली का टाइम है तो बन नहीं पाएगा, तो आराम से बनाऊंगी। और फुल स्लीव्स में थोड़ा सा कपड़ा भी कम लगेगा, तो मैं अलग से कुछ ट्राई करूंगी या फिर अलग से पीस लेके बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, इस तरीके से शाइनिंग दिया हुआ है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये इस प्लेन साड़ी के साथ। और ये क्रीम कलर की साड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सिंपल प्लेन है। ये भी सेम शॉर्ट एंड टाइट शाइनिंग वाले कपड़े में है, तो इसलिए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही सुंदर क्वालिटी है। आई थिंक ये अंडर 350 या फिर 400 के नियर अबाउट होगा, प्राइस मेंशन कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छा है, आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस साड़ी को। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और बहुत ज़्यादा एकदम पास से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाला, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल, एकदम लाइट वेट है, प्लस साइज है, तो भी इजिली इसे वेयर कर सकते हैं। तो चलिए टाइट करते हैं, वेयर करते हैं, दिखाते हैं। फ्रेंड, ये साड़ी मैं कहाँ से ली हूँ, कैसा क्वालिटी है, सारा कुछ मैंने तो शेयर आप लोगों के साथ कर ही दिया है। तो चलिए अब साड़ी को ड्रेप करके देखते हैं कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। तो सबसे पहले साड़ी की बेसिक टकिंग हमने कंप्लीट ही कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पल्लू मेज़र करूँगी। तो यहाँ पे पल्लू आपको जैसे नॉर्मल इजी बिल्कुल सिंपल तरीके से साड़ी ड्रेप करते हैं, सेम उसी तरीके से कर रही हूँ। बट ये साड़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो साड़ी है ना मेरा फेवरेट होने वाला है। तो बस यहाँ पे साड़ी का पल्लू मेज़र कर लिए हैं। पल्लू आपको नी लेंथ रखना है, जैसा कि मैं हमेशा ही अपने साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल में बताती रहती हूँ। तो आपको पल्लू लॉन्ग रखना है, और सबसे ज़्यादा साड़ी का जो क्वालिटी है ना, आप किसी भी प्लस साइज हो, स्लिम गर्ल हो, कोई भी आपका बॉडी फिगर कैसा भी हो, आप ईज़िली इसे ड्रेप कर पाओगे, ईज़िली कैरी कर पाओगे। आप बिगनर हो तो भी ईज़िली इसे आप कैरी कर पाओगे, इतना ज़्यादा लाइट वेट है ये साड़ी। और लाइट वेट साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और जिसमें स्पेशली थोड़ी सी शाइनिंग होती है ना, इस टाइप के फैब्रिक में मेरे पास और एक साड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, जो फिरोजी कलर में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रीज़न यही है कि मुझे ना शाइनिंग वाले कपड़े और लाइट वेट कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे शिफॉन हो गया, और ये शॉर्टन टाइप में है, शॉर्टन नहीं है, प्योर शॉर्टन से ये एकदम पतला वाला कपड़ा है, बट बहुत ज़्यादा, मतलब इसका कपड़ा जो है वो शिफॉन टाइप लाइट वेट में है, बट ये जो फैब्रिक का मतलब बताया जाए फैब्रिक कैसा है, तो वो शॉर्टन टाइप शाइनिंग में है, तो इसलिए ये मुझे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगा ये साड़ी। बाकी मैं इस साड़ी को नॉर्मली ड्रेप कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बेसिक टकिंग कंप्लीट की, पल्लू मेज़र की। अब मैं बना रही हूँ साइड फिटिंग बना ली, अब मैं बना रही हूँ कमर की प्लेट्स। जब भी आप साड़ी ड्रेप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी कमर की प्लेट्स है उसको छोटा छोटा बनाइए। पहले मैं जब साड़ी मैं बहुत कम पहनती थी तो मुझे लगता था कि कैसे लोग पहनते हैं यार, बड़ा ही प्लेट रखना है, मीडियम ही रखना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साड़ी आप जितना छोटा प्लेट बनाओगे, साड़ी का प्लेट उतना ज़्यादा बनेगा, स्पेशली जब प्लस साइज हो, तब के लिए मैं बता रही हूँ अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, तो उतना ज़्यादा प्लेट बनेगा। और साड़ी का प्लेट जितना ज़्यादा बनेगा, साड़ी का लुक उतना ही ज़्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव आएगा, साड़ी का होल लुक उतना ही ज़्यादा खिल कर आएगा, क्योंकि प्लेट ज़्यादा रहती है तो साड़ी का लुक ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। तो हमेशा मैं छोटे प्लेट्स बनाती हूँ,
और सारे प्लेट्स को इक्वली अरेंज करूँगी और अपने बेली बटन के पास टक करूँगी। और लिंक आपको इस साड़ी का, सेम साड़ी चाहिए तो आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर सोशल मीडिया वेबसाइट और कोलाब्रेशन के लिए भी आपको ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को टक कर लिया है बेली बटन के पास, फिर एक सेफ्टी पिन से अटैच कर लिया है और ये है हमारी साड़ी का होल लुक। ओ माई गॉड, साड़ी जैसा कोई भी आउटफिट नहीं हो सकता, ये तो सच है। हमारा इंडियन जो आउटफिट है उसकी बात ही अलग है। तो देखिए मेरा फुल एंड फाइनल लुक। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इतनी सारी तारीफ तो मैंने खुद से कर दी, बट आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फुल एंड फाइनल लुक इस साड़ी के लिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।